हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ इज़ लिफ्ट क्रिएटेड जो हमारे एयरक्राफ्ट के विंग्स होते हैं वो लिफ्ट कैसे क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट उड़ पाता है सो लिफ्ट जनरेशन की बेसिकली दो थेरीज हैं फर्स्ट थेरी इज बेस्ड ऑन बनोलिस प्रिंसिपल एंड सेकंड थीरी इज बेस्ड ऑन आइजैक न्यूटन थर्ड लॉ इनफैक्ट डेनियल बनोनी ने कभी खुद लिफ्ट को एक्सप्लेन नहीं किया और आइजैक न्यूटन ने भी कभी खुद लिफ्ट जनरेशन को एक्सप्लेन नहीं किया है ये दो कैंप्स हैं एक कैंप ऐसे मानता है कि बनौली प्रिंसिपल के हिसाब से लिफ्ट जनरेट होती है और दूसरा कैंप ऐसा मानता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से लिफ्ट जनरेट होती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको दोनों ही थे थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और ये भी समझ में आ जाएगा कौन सी थ्योरी ज़्यादा एक्जैक्टली exactly, ज़्यादा अच्छे तरीके से जनरेशन को एक्सप्लेन कर पाती है तो आइए देखते हैं कि डेनियल बनोली की थेरी क्या कहती है और उसके उसके हिसाब से कैसे लिफ्ट जनरेट होती है ना पहले कंसिडर करते हैं हम विंग ये तो हम सभी जानते हैं कि विंग ही वो पार्ट होता है एयरक्राफ्ट का जिसकी वजह से लिफ्ट क्रिएट हो पाती है तो अब मान लीजिए विंग पे ये एयर फ्लो कर रही है जब ये एयर विंग पे फ्लो कर रही है ये एयर स्ट्रीम विंग के अपर सर्फेस और लोअर सर्फेस दोनों पे से पास हो रही है अब ये एयर स्ट्रीम जब अपर सर्फेस से पास करती है तो क्योंकि अपर सर्फेस का एरिया ज्यादा होता है तो ये वाली एयर स्ट्रीम को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और नीचे वाली एयर स्ट्रीम को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अब ऊपर वाली एयर उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है नीचे वाली एयर उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऊपर वाली एयर की विलोसिटी ज्यादा हो जाती है और नीचे वाली एयर की कम हो जाती है ना बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है बर्नौली प्रिंसिपल कहता है पी प्लस हाफ रोबी स्क्वेयर प्लस रोजी जेड

अपर विल बी लेस देन प्रेशर लोअर सो होगा क्या ऊपर सरफेस पे लो प्रेशर आ जाएगा और नीचे वाले सरफेस पे हाई प्रेशर आ जाएगा. हायर प्रेशर होगा तो अब इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्योंकि ऊपर वाले सरफेस पे लोअर प्रेशर है नीचे वाले सरफेस पे हायर प्रेशर है एक नेट प्रेशर फोर्स क्रिएट होगी ऊपर के डायरेक्शन पे और इस प्रेशर फोर्स को कहेंगे लिफ्ट सो दिस इज हाउ लिफ्ट इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू बर्नौलीस प्रिंसिपल सो नेक्स्ट थ्योरी है न्यूटनस थर्ड लॉ न्यूटनस थर्ड लॉ क्या कहता है न्यूटनस थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन नाउ लेट अस कंसीडर अ प्लेट व्हिच इज मूविंग इन द एयर नाउ दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेट व्हिच इज मूविंग इन द एयर

हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये जो वर्टिकल ऑपर्ड कंपोनेंट है दिस इज नोन एज लिफ्ट और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पीछे की तरफ दिस इज नोन एज रैक्ट सो दिस इज हाउ न्यूटन थर्ड लो एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ लिफ्ट अगर कोई प्लेट कोई इंक्लाइन प्लेट एयर में मूव कर रही है तो उसमें भी लिफ्ट जनरेट हो जाएगी डर इट इज एन एयर फॉल शेप और नॉट ए इंक्लाइन पेट अगर एयर में मूव कर रही है क्योंकि एय स्ट्रीम उसपे एक और उस फोर्स को आप दो कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं

बीच में कुछ सर्कुलर ऑब्जेक्ट रख लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा फ्लो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा और हमारी ब्रिक पे पानी नहीं गिरेगा बट होता क्या है फ्लो ऐसे डिफ्लेक्ट होने की जगह कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं होता क्या है फ्लो इस सरफेस से चिपक के जाता है और कुछ इस तरह से जाएगा तो आप ब्रिक को बचा नहीं पाएंगे फ्लो का इस सर्फेस से चिपक के जाना ही दिस इफेक्ट इज नोन एज पोडा इफेक्ट अब हम बात करते हैं एयरफॉइल की अब ये एयरफॉइल एयर में मूव कर रही है तो होगा क्या ये जो एयर पार्टिकल है ये इससे कुछ चिपक के जाएगा और ये कुछ इस तरह से नीचे जाएगा ऐसे जाने के कारण ये जो फ्लो है हमारा पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा अब फ्लो पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा दैट मीन्स हमारा फ्लो कुछ अब इस डायरेक्शन में जा रहा है अब फ्लो इस डायरेक्शन में जा रहा है दैट मीन्स हमारे इस एयरफॉइल ने फ्लो को नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया अब क्योंकि इसने फ्लो को नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट किया है तो ये फ्लो भी क्वाल एंड अपोजिट

तो हमारा फ्लो और ज्यादा नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा और ज्यादा नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होने की वजह से ये एंगल डिफ्लेक्शन एंगल और बढ़ जाएगा और हमें और ज्यादा लिफ्ट क्रिएट होगी सो दिस इज हाउ मोर लिफ्ट इज क्रिएटेड तो अगर आपको एक अब हमारे क्राफ्ट को ज्यादा लिफ्ट क्रिएट करनी होती है तो हमारे एंगल ऑफ अटैक उसका चेंज कर देते हैं और लिफ्ट ज्यादा क्रिएट जनरेट हो जाती है तो हमने समझा कि बनोली प्रिंसिपल के हिसाब से कैसे लिफ्ट जनरेट होती है और न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से कैसे लिफ्ट जनरेट होती है इनमें से हम न्यूटन थर्ड लॉ पे ज्यादा विश्वास करते हैं और बनोली थेरी को इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन माना गया है इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन बनोली थेरी के हिसाब से क्यों मानी गई है क्योंकि बनोली थेरी के स्टार्टिंग में हमने ये माना था कि जो फ्लू पार्टिकल्स यहाँ पे थे कुछ पार्टिकल्स यहाँ गए कुछ पार्टिकल्स लोअर सर्फिस पे गए तो माना जाता है कि उतने ही टाइम में यहाँ पे वापस मीट कर जाएंगे जबकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये सेम पार्टिकल्स यहाँ पे मीट ही करेंगे ऐसा भी हो सकता है कि ये ऊपर वाले सरफेस के पार्टिकल्स पीछे रह जाएं और लोअर वाले सरफेस के पार्टिकल्स थोड़े आगे निकल जाएं या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है कि ये ऊपर वाले अपर वाले सर्फेस के पार्टिकल्स ज्यादा आगे पहुंच जाए और नीचे वाले एयर सर्फिस के पार्टिकल्स थोड़े से पीछे रह जाए सो इस अजम्पन की वजह से कि ये ये पार्टिकल्स उतने ही टाइम में पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इस थेरी को इनकरेक्ट थेरी माना गया है और न्यूटन थर्ड लॉ को ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन माना गया है लिफ्ट जनरेशन की सो आई होप कि आपको इस वीडियो ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि लिफ्ट कैसे जनरेट होती है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल